खुदावंदी यसु मसीह के बाबरकत और फजल नाम में तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम खुदांद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और आ, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप फजल टेलीविजन के लिए और इसी तरह खुदा के खादिम पास्टर इमरान फजल साहब के लिए खुदा की खादमा सिस्टर मविश इमरान के लिए और सारी फ़जल टी की टीम के लिए आप हर रोज़ दुआ करते हैं और इसी तरह नाज्रन इसी तरह खुदा के खादिम भी पास इमरान फजल साहब खुदा की खादमा सारी टीम भी आप सब के लिए हर रोज़ हम दुआ करते हैं खुदांद और ज़्यादा आपको बढ़ाए और सरफराज करे और ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में कसरत से काम करे और जैसा कि नाज्रन हर रोज़ आप ग्रेस फॉरऑल प्रोग्राम में देखते हैं कि हमारे साथ खूबसूरत गेस्ट होते हैं और हम हर रोज़ खुदा के कलाम की खूबसूरत बातों को सुनते हैं वर्शिप सुनते हैं खुदांद के नाम को जलाल देते हैं तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में ग्रेस फॉर ऑल में आज भी हमारे साथ बहुत खूबसूरत गेस्ट हैं ख़ुदांद के नाम को जलाल दे रहे हैं वर्शिप के वसीला से इकलाम के वसीला से मुख्तफ तरीकों से खुदा जो है अपने जलाल के लिए अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज भी हमारे साथ बहुत खूबसूरत गेस्ट हैं ख़ुदाद के नाम को जलाल दे रहे हैं तो हमारे साथ आज गेस्ट हैं मैं आपका तारफ़ करवाना चाहूँगा आइए अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं उनको वेलकम करते हैं आज ग्रेस फॉर आल प्रोग्राम में हमारे साथ ख़ुदा के खादमा इवेंजलिस्ट प्रवीन जवेद हैं आपको वेलकम करते हैं आज के ग्रेस फ़ॉर आल प्रोग्राम में और इसी तरह हमारे साथ हैं खुदा के खादम इवेंजलिस्ट हरून इनायत भई हारून आपको भी वेलकम करते हैं आज ग्रेस फ़ॉर प्रोग्राम में और इसी तरह हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत वर्शिपर्स हैं अभी खुदावन का शुक्र है कि अभी छोटी उम्र में ही खुदा जो है अपनी वर्शिप के लिए अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करें तो हमारे साथ हैं वर्शिप पर सर सहर आपको भी हम वेलकम करते हैं आज ग्रेस फ़ॉर ऑल प्रोग्राम में और इसी तरह हमारे साथार हैं वर्शि पर जदाउन एजाज तो जदाउन आब भी हम वेलकम करते हैं आज ग्रेस फ़ॉर प्रोग्राम में तो आइए नाजरन से पहले कि हम अपने प्रोग्राम में आगे और ज़्यादा गुफगु करें खुदा के कलाम की तरफ बढ़ें खुदा के कलाम को आज सुने बरकत पाएँ और वर्शिप करें खुदा के नाम को जलाल दें आइए प्रोग्राम के आगाज़ में हम दुआ करेंगे अपनी आँखों को बंद करेंगे सरों को झुकाएँगे और दुआ में रहनमाई खुदा के कदम इवेंजलिस्ट हारून अनायत के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में हालेलुया हालेलुया हाल हम सब अपने सरों को झुकाते हैं आंखों को बंद करते हैं क्योंकि उसका वादा है कि जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं आज हम ते दिल से खुदांद की शुक्रगुजारी करते हैं जिंदा आसमानी बाप अखदूस बाप तू जो आज और कल बल्कि अब तक यकसा खुदाम है तो कभी नहीं बदलता हमेशा हमारे साथ रहता है वफ़ादारी से खुदांद तुम्हारे साथ चलता है आज हम भी खुदावंत तेरे सामने इकरार करते हैं और तेरे ये बरकत को देखते हैं तेरी ब्लेसिंग को देखते हैं कि तू हमारे साथ है हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस प्रोग्राम में आकर ये खुदावंद तूने बड़ा फजल किया हम खदाम तेरे कदम के साथ मिलकर इस फज़ल टेलीविजन के साथ मिलकर तेरी प्रस्तश कर सकें तेरे कलाम की मनादी कर सकें खुदाम ये तेरा फ़जल देखते हैं और तेरी हम शक्र गुजारी करते हैं सारे प्रोग्राम को खुदाम तेरे हाथ में देते हैं शुरू से लेकर आखिर तक खुदा तुम्हारी मदद करना एक एक लफ्ज़ है खुदामंदे मुँह से निकला हुआ बायस बरकत हो देखने वालों सुनने वालों के लिए जितनी ज़िंदगी सुने वो बरकत पाएँ और बरकत का वसीला बने इसी तरह पूरी फ़जल टीम के लिए खुदामंद तेरी बरकत चाहते हैं शहर जदाउन के लिए खुदा तेरी बरकत चाहते हैं इसी तरह तेरी खादमा के लिए जिसके मुँह में खुदा तूने अपने कलाम को डाला ताकि वह तेरे कलाम की मनादी करे और तेरी गवाही दे और तेरा बेटा यस्ु मरी ज़िंदगी में इज़्ज़त और जलाल पाता रहे ये सब कुछ मांगते तेरे बेटे खुदाम यसु मसीह नासरी के नाम से आमीन बहुत शुक्रिया भाई हारून खुदाوند આપકો બહોત જ્યાદા બરકત દે તો اسی طرح નાઝરીન આઈએ ہم એક ગીત સુનેંગે रेज़ अलौर तो आपने अभी गीत सुना यकीन आपने गीत से बरकत पाई है और तो आज सुबह जब मैं खुदा के कलाम की स्टडी कर रहा था एक बड़ी खूबसूरत आयत मेरे सामने खुदा ने रखी और मैं जब उसे पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी बरकत उससे मिले अगर हम खरूज की किताब उसका पंद्रव बाब और उसकी छब्बीसवीं आयत को देखें तो वहाँ पर लिखा है कि अगर तू दिल लगा कर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और उसके आयन पर अमल करे और उसके हुक्मों को माने तो मैं उन बीमारियों को जो मैंने मिस्रियों में भेजी तुझ पर कोई ना भेजूँगा क्योंकि मैं खुदावन तेरा शाफी खुदा हूँ अजीज़ों आज खुदा के कलाम की ये बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर हम खुदा से दिल लगा कर अगर हम खुदा से दिल लगाएँगे और उसके आयन वाकाम और उसके हुक्मों पर अमल करेंगे जब हम उसके खौफ और उसके डर के अंदर ज़िंदगी गुजारेंगे तो खुदा का यह वादा है कि मैं उन बीमारियों को जो मैंने मिश्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा क्योंकि मैं खुदावंत तेरा शाफ़ी खुदाऊँ अजीज़ो आज इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह की बीमारियों के अंदर मुबतला है हम देखते हैं कि हम सुनते हैं कि कभी कोई डिज़ीज़ इस दुनिया के अंदर आ जाती है कभी कोई वायरस आ जाता है कभी कोई डिज़ीज़ आ जाती है और हाल ही में आप देख रहे हैं कि जब कोविड नाइन्टीन वायरस जो है वो इस दुनिया के अंदर आया और और उस वायरस की वजह से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में जो है वो लोग मुतासर हुए और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस कोविड वायरस की वजह से वो इस दुनिया से चल बसे मर गए लेकिन अजीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों बीमारियाँ जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में आती हैं क्यों मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है बीमारियाँ किसी वायरस की सूरत में या किसी और तरह से क्यों अटैक्स होते हैं उस वक़्त बीमारियाँ उस वक़्त इस तरह की जो वबाएँ आती हैं जब हम खुदा से पीछे हट जाते हैं जब हमारे दिल खुदा से हट जाते हैं फिर बीमारियां हमारे ऊपर अटैक्स करना शुरू करती हैं लेकिन अगर हम अपना दिल खुदांद के साथ लगाए रखेंगे तो कोई भी वबा कोई भी बीमारी कोई भी वायरस जो है वो कभी भी हमें छू नहीं सकता तो इसलिए हमें अपना दिल खुदा के साथ लगाने की ज़रूरत है और उसके हुक्मों पर अमल करने की ज़रूरत है उसके आयन पर चलने की ज़रूरत है जब हम उसके आयन पर चलेंगे उसके हुक्मों को मानेंगे तो खुदावन का ये वादा है कि मैं खुदावंद तेरा शाफ़ी खुदाऊँ जो बीमारियाँ मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूँगा फिर चाहे इस दुनिया में चाहे कोई भी वायरस आ जाए कोई भी, भी बीमारी आ जाए अगर हमारा दिल खुदा के साथ लगा अगर हम उसके खौफ और डर के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो फिर खुदा हमें हर तरह के वायरस से हर तरह की बीमारी से वबा से हमेशा हमें बचा कर रखेगा खुदा हा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे तो आइए हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं उनके साथ बात करेंगे सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम खुदा के खाद मुबर हरून नायत से बात करेंगे भाई हरून हमें बताइए कि किस तरह खुदा जो है वो आपको इस्तेमाल कर करें आज आजकल कहाँ पे आप खिदमत कर रहे हैं और कैसे खुदा ने आपकी ज़िंदगी को तब्दील किया थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू पास्टर जी आपने ये वक्त दिया मौका दिया इस चैनल पर इस प्रोग्राम में आने का तो खुदावंत का बड़ा फ़जल मैं समझता हूँ कि मुझ पर यह बड़ा फ़जल है कि उसने अपनी ख़िदमत का तोड़ा मुझे दिया और जहाँ खुदा चाहता है इस्तेमाल करता है 2008 में मैंने बपतशा लिया तोबा की पानी का बपटसमा लिया और फिर मैंने कराची चला गया वहाँ से मैंने ट्रेनिंग की दो साल की खादम की पास्टर यशवा वो मेरे उस्ताद हैं इस तरह मैं खुदावंत की खिदमत में आया उधर भी मैं कराची में ख़िदमत करता रहा फिर खुदावंत ने मुझे आठ साल के लिए फैसलाबाद में इस्तेमाल किया वहाँ पर भी खुदावन ने अपना फ़जल बख्शा के एक चर्च की बुनियाद रखी एक स्कूल की बुनियाद रखी और आज मैं आपके बीच में हूँ आप लाहौर शहर में हूँ खुदा ने मुझे इधर शिफ्ट किया इधर भी मैं समझता हूँ कि यह फ़लल है खुदा का ये बरकत है और आज जो मैं खदमत कर रहा हूँ कसूर एरिया में खिदत कर रहा हूँ हेमांजलज़म खदमत कर रहा हूँ और the... वहाँ the... पर वही खुदा का प्लान है कि हम चर्च भी बनाएँगे इस्कूल भी बनाएँगे ये बड़ी खुदा की बरकत मैं समझता हूँ कि वो मेरे साथ चलता है और जगह बजह मुझे लेकर जाता है मैं यही समझता हूँ कि जिस तरह रसूल जगह ब जगह जाकर खुदा के काम करते थे वही ब्लैसिंग उसने मुझे दी है और मैं इस तरह खुदा का काम करता हूँ और खुदा अपने नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल मसीह को ये सारा कुछ भाई खुदांद आपको और ज़्यादा बरक़त दे बड़ी अच्छी आपकी खदमत है बहुत खूबसूरत खिदमत खुदा आपसे ले रहा है एवंजलम आप कह रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि कोई ख़ास तौर पर इवेंजलज़म के हवाले से आप देखने वाले नाजरन को जो खास तौर पर आज इवेंजलिस्ट की खिदमत कर रहे हैं या इवेंजलिज़म कर रहे हैं तो उनके लिए आप क्या ख़ास तौर पर आ, कहना चाहेंगे जो भी आपके दिल में खुदा डालता है जो भी आप कहना चाहते हैं क्या कहना चाहेंगे मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज जो अगर हम देखें ओवरऑल पूरी दुनिया में जो हो रहा है या हमारी नज़रों में जो हो रहा है वो किस तरह है या कैसे हो रहा क्यों हो रहा है इस पर थोड़ा सा अगर गौर करते हैं तो कला में मुकदस हमारी मदद करता है कि ये किस लिए हो रहा है अगर हम थोड़ा सा शुरू में जाएँ पैदाश की किताब पर तो वहाँ पर जब खुदा ने आदम को बनाया और उसके साथ उसने इसके हेल्पर बनाया उसका हवा बनाई और हवा के वसीला से क्या हुआ गुनाह जो है ज़मीन पर आया लेकिन वहाँ पर ख़ुदा ने एक लो दिया था बाग अदन में हवा और आदम को कि आप सब दरख़तों का फल क्या कर सकते हो खा सकते हो लेकिन बाग के बीच में जो दरख्त है उसका फल आप नहीं खा सकते ये मैं ए, समझता हूँ इस मैसेज से इस कलाम से कि यह कुछ हो रहा है कि उस वक़्त भी हवा ने क्या किया अपनी मर्ज़ी को उसने इस्तेमाल किया उसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल अगर देखें हम बनी इसराइल की तरफ आते हैं तो बनी इसराइल से भी बेशुमार खुदावन ने प्यार किया कि उनके लिए मूसा पैदा किया उनको वहाँ से मिस्र से निकाल लिया जब निकाला तो फिर भी उन्होंने क्या किया अपनी मर्जी इस्तेमाल की लेकिन आज भी जो हो रहा है वो मैं समझता हूँ ये समझता हूँ कि इंसान जब अपनी मर्जी छोड़ता है तो फिर वह खुदा की बरकत की तरफ आता है अगर आज हम खुदा के साथ कर लें यह वफ़ारी कहद बाँध लें कि खुदांद हम अपनी मर्ज़ी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी को पूरा करेंगे तो यकीन हम बरकत की तरफ जाएँगे तरक्की की तरफ जाएंगे जितने भी प्यारे मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सब से ये मेरा मैसेज है कि अगर आज हम अपनी मर्जी नहीं बल्कि खुदा की मर्ज़ी को पहला दर्जा देते हैं तो फिर हम बरकत की तरफ तरक्की की तरफ जाते हैं द लॉर्ड हरून भाई खुदा अंद आपको और ज़्यादा बरकत दे बहुत खूबसूरत बातें भाई हरून ने हमारे साथ शेयर की हैं तो इसी तरह ही हम शहर से भी बात करेंगे शहर आप हमारे नाजिन को बताएं कि कैस आप स्टूडेंट भी हैं अभी स्टडी के बारे में भी बताएं कि कौन सी क्लास में और इसी तरह साथ साथ बताएं कि कैसे खुदा ने आपके दिल में आप ये बात डाली आप वर्शिप कर रही हैं तो कहाँ से आपने सीखा है किस तरह आप खुदा आपसे काम ले रहा है क्या कहना सबसे पहले तो मैं खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ खुदा बख्शा हम इस शो पे आ सकें और पास्टर बनवास का आपका और सिस्टर महविश का पास्टर इमरान का फजल टेलीविजन की पूरी टीम का बेसिकली हमारे पापा जो थे वो खिदमत में थे और वो अनस्तमाल के साथ खिदमत करते थे उनकी इक्वायर में भी थे तो कुछ ऐसा हुआ कि जब अनस्तमाल खुदा में सो गए तो हमारे पापा भी सो गए थे तो उनके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए थे हारमोनियम और तबला जो थे तो हमारी जो नानों थी उन्हें शौक़ था कि हम दोनों वर्शिपर्स बने और खुदा की खिदमत करें <laughs> तो हमारी इस स्ट्रगल के पीछे हमारी इसके सारी सक्सेस के पीछे हमारी मदर का और नानों का बहुत हाथ है वो हमारे खुदा का शुक्र करती हूँ कि जितने भी हमारे मामू हैं सारी खिदमत में हैं और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया तो नानों ने हमें एक, एक टीचर अफोर्ड करके दिया उनका नाम शेरियार सादिक है वो हमें हारमोनीय सिखाते हैं तो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें बहुत अच्छे उस्ताद दिए हम उनकी बहुत मत करते हैं और उन्होंने हमें बहुत अच्छा सिखाया है तो मैं कहती हूँ कि अभी भी हमारी यही दुआ है कि खुदा हमें और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और मैं एट क्लास में हूँ और सेंट एंथनी स्कूल में पढ़ती हूँ सर खुदा आपको बरकत दे तो ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपकी एज के बच्चे हैं ख़ास तौर पर बेटियाँ जो आपको फजल टी वी पर इस वक्त देख रही हैं आप उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पर क्या मैसेज देना चाहते हैं मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स को मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को इंक्रेज um, करें ताकि वो अपना चर्च जा सकें और संडे स्कूल उन्हें भेजें ताकि उनका लगन खुदा के कलाम के, के साथ हो और वो उनके खुदा उनकी, उनकी जिंदगी में काम कर सके और मैं यूथ को मैसेज देना चाहती हूँ कि जरूर अपने पेरेंट्स को बीडेंट रखें और संडे स्कूल जाएँ और चर्चेस में जाएँ ताकि खुदा उनका कलाम आपकी जिंदगी में बाईस लाए और खुदा उनका जलाल आपकी करेज दे तो इसी तरह जदाउन से भी बात करेंगे उन आप बताइए कि आप अब कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हैं और फिर जैसे शहर ने भी अभी बताया आप क्या बताना चाहते हैं कि कैसे आप वर्षिप की तरफ आए और कैसे खुदा इस्तेमाल कर रहे हैं मैं अभी एट क्लास में पढ़ता हूँ सेंट एंथनी हाई स्कूल में बेसिकली हमारा सफ़र इस तरह शुरू हुआ कि हमारे पापा का बैकग्राउंड और मामा का बैकग्राउंड दोनों खिदमत में लगे हुए हैं पापा के जो म्यूज़िक थे वो उसके उससे हमने भी बजाना सीखा जो अभी भी हमारे पास हैं उनकी याद में हम वो बजाते हैं और हमारे मामू भी खिदमत में हैं उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया अब तक जो हमारे सक्सेस में उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें अपने काम और जलाल में इस्तेमाल करते हैं हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं तो जब हमारे पापा की डेथ हुई थी तो उसके बाद नानों ने हमें कहा कि हम भी म्यूज़िक में खुदा की प्रस्तश करें तो उन्होंने जब हम कराची से लाहौर शिफ्ट हुए उन्होंने हमें दो टीचर अच्छे अफोर्ड करके दिए एक हारमोनियम के टीचर सर शहरियार सादिक जो हमें गाना भी सिखाते हैं और हारमोनियम भी सिखाते हैं और एक सर अलमास जो मुझे गिटार सिखाते हैं और आज मैं उन दोनों टीचर्स की वजह से आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ खुदा आपके दे बड़ी खूबसूरत बात बच्चों ने बताई कि इनके पापा की डेथ के बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए थे इनके पापा के जो वर्शिप वो करते थे जैसे बेटी सहर ने बताया कि पास्टर नस्ट मल की जो मिनिस्ट्री वर्शिप मिनिस्ट्री थी खिदमत थी उनके साथ मिलकर वो खिदमत करते थे पाकिस्तान में तो अभी बच्चों ने बताया कि पापा की डेथ के बाद जो इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए थे हारमोनीय तो फिर इन बच्चों ने वही इंस्ट्रूमेंट्स को लिया और उसी से फिर सीखना शुरू किया और ख़ास तौर पर हमारी प्यारी आंटी जी जो इनकी नानों हैं मैं उनसे मिला हूँ और वो भी बड़ी हम्बल हैं और खुदा ने उन्हें बड़ी बरकत दी और खुदा के खादमों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और बड़ी खुदा के खादमों के साथ उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हैं और खुदा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं तो खुदावंद उनको भी बहुत ज़्यादा बरकत दे आंटी जी को जिनका बड़ा एक बहुत बड़ा किरदार है बच्चों की लाइफ में वर्शिप के हवाला से सीखने में और आगे बच्चों को लेकर चलने में तो खुदा मंद उनको भी बरकत दे तो गॉड ब्लेस यू आप दोनों को मंद और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें तो आइए अभी हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हम शहर से जदाउन से वर्शिप भी सुनेंगे और ब्रेक के बाद हम और ख़ूबसूरत कलाम की बातें भी करेंगे वेलकम बैक नाज़ीन आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम और यकीन आपने ब्रेक से पहले बड़ी खूबसूरत बातें सुनी हारून की बहुत अच्छी गवाही को सुना आपने इसी तरह जदाउं से शहर से आपने बड़ी अच्छी बातें सुनी खुदादा आपको बहुत बरकत दे तो आइए अब हम शहर से जदाउन से गीत सुनेंगे और बरकत पाएँगे आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे तो यकीन है नाज़िन आपने इस गीत के वसीला से बरकत पाई है खुदावंद और ज़्यादा आपको बरकत दे जद शहर और ज्यादा खुदावंद में आप बढ़ें खुदावंद के नाम को इसी तरह जलाल देते रहें तो आइए अजीजो अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने हमारे साथ खुदा की खादमा इवेंजलिस्ट परवीन जवेद हैं तो आइए हम खुदा की खादमा के वसीला से खुदा के कलाम को सुनेंगे जी खुदा मदद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे एवेंजलिस परवीन जवेद जो भी खुदा ने आपके दिल में आज मैसेज आपके पास है कलाम है खुदा का वो आप शेयर कीजिए हमारे नाजरन के साथ थैंक यू पास्टर बना बस थैंक यू सो मच खुदाब को बरकत दे और मुसी में आप सभी को मेरा सलाम मैंजलिस परवीन फ़तहगढ़ से हूँ और मैं ख़ुदा की शुक्र गुज़ारी करती हूँ कि खुदा ने आज मुझे ये वक्त दिया कि मैं उसकी ज़िंदा आवाज़ को आप सबके साथ शेयर कर सकती और पास्टर इमरान फजल की मैं शुक्र गुज़ार हूँ और सिस्टर महविश इमरान की कि जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि उनके टी वी चैनल पर मैं आकर खुदा की जिंदा बख्श बातें सुना सकती और इसी तरह मैं अपनी एक छोटी सी गवाही शेयर करना चाहती हूँ कलाम से पहले मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि बचपन से ही खुदा मुझे खुदा ने मुझे चुन लिया था लेकिन मैं नहीं जानती थी लेकिन इसी तरह जब खुदा में आई तो खुदांद की शुक्र गुज़ारी करती हूँ कि उसने मुझे ये वक्त दिया कि मैं उसके नाम को जलाल देती और डॉक्टर जमील नासिर जो मेरे उस्ताद हैं 2016 में मैंने तोबा की और 2018 में वक्तम लिया और उसके बाद 2018 से लेकर आज तक खुदा मुझे अपने नाम और जलाल और काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है मैं शुक्र गुज़ार हूँ खुदा की और इसी तरह मैं जगह बजगह खुदा की जिंदा आवाज़ को लेकर जाती हूँ और उसके बाद जब एक साल हो गया है मैं फ़ज़ल टी के साथ अटैच हुई और जबकि तब भी मैं खुदा की कलाम को सुनाती थी लेकिन जब मैं फ़जल टी के साथ अटैच हुई।, हुई उनकी टीम का हिस्सा बनी तो फिर खुदा ने मुझे उससे भी बढ़कर बरकत दी और आज मैं फ़ज़ल टीवी के साथ काम कर रही हूँ मैं शुक्रगुजारी करती हूँ फज़ल टीवी की सब चैनल वालों की और सिस्टर मैविश की मास्टर इमरान फजल की के खुदा उनको इसी तरह बरकत दे और इसी तरह वो ख़ुदा के खाद को अपने पास बुलाएं और उसकी ज़िंदाबाज़ जो लोग सुनना चाहते हैं, उन तक पहुँचाए थैंक यू सो मच तो आज हम कलाम मुक़दस में से सुने के मती की अंजील सभी मेरे साथ निकाल लीजिएगा जो देख रहे हैं वो भी निकाल लें मती की अंजील उसका सात बाप और उसकी एक से हम पाँच आय तक पढ़ेंगे और इसी तरह फिर हम सात बाप और उसकी इक्कीस आय तक तो भी हम साथी में पढ़ेंगे प्रेस हाल लिया के जिंदा कलाम में यूं लिखा है कि ऐप जोई ना करो क्योंकि तुम्हारी भी ऐप जोई ना की जाए क्योंकि जिस तरह तुम ऐप जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐप जोई की जाएगी और जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी तरह तुम्हारे वास्ते भी नापा जाएगा तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता और जब तेरी आंख में शतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूँ एहरिया करो पहले अपनी आँख में से तो शतीर निकाल फिर अपने भाई की आँख में से तिनके को अच्छी तरह देख कर निकाल सकेगा आमीन इसी तरह हम इक्कीस आयत में भी पढ़ेंगे जो मुझसे आय खुदावन आय खुदावन कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा आमीन खुदा के जिंदा पाकलम पढ़ा सुना और इस पर अमल करा जाना हम सब के लिए बाईस बरकत हो खुदा का शुक्र हो तो आज हमने पा में से पढ़ा है कि ऐप जोई ना करो क्योंकि तुम्हारी भी ऐप जोई ना की जाए आज हमें कलाम मुक़दस क्या सिखाता है हम खादमों को जबकि हम मैसेज को सुनाते हैं लेकिन आज हम में खुद में भी गलतियाँ होती हैं मेरी तलीम थोड़ी हटके है देखने वाले कहेंगे कि ये कैसी बात है आज हम कलाम पर ध्यान करते हैं लेकिन क्या करते हैं खुद ही भूल जाते हैं जैसा कि खुदा के कलाम में हमने सीखा इक्कीस आयत में कि जो मुझसे अई खुदाम आए खुदाम कहते हैं उनके दिल मुझसे उनके उनमें से हर की एक बादशाही में दाखिल ना होगा क्योंकि आज हम खुद कलाम को सिखाते हुए खुद ही भूल जाते हैं क्यों कभी हमने गौर किया है कि क्या कमियां हम में ऐसा क्यों होता है आज हमें सिखाने की भी ज़रूरत है और सीखने की भी ज़रूरत है जब तक खादबिन खुद सीख कर दूसरों के पास नहीं जाएंगे तो दूसरों को क्या सिखाएंगे जैसा कि हमने पाकलाम में देखा कि एक भाई दूसरे भाई की आँख से तिनके को निकाल रहा है लेकिन खुद का जो शतीर है वो नज़र नहीं आ रहा आज हमें अपने शतीर को देखने की ज़रूरत है फिर कलाम में लिखा है कि ला तेरी आंख में से अच्छी तरह तिनका निकाल लूँ कब जब हम खुद पाक साफ होंगे जब खुद हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करेंगे जब ख़ुद हम अपने घर पर गौर करेंगे सबसे पहले हमें अपने घर पर गौर करने की ज़रूरत है आज हम टीवी चैनल पे आ जाते हैं बहुत खूबसूरत बातें करते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि हमारी वाह वाह हो हमारी तारीफ हो लेकिन खुदा हमें जानता है खुदा हमारे दिलों को जानता है खुदा कह रहा मगर वही जो मेरी आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चलता है हालेलुया आज हमें खुदा की मर्ज़ी पर चलने की ज़रूरत है आज हम दूसरों को बता रहे हैं मैं फिर कहूँगी कि हमें खुद पर भी नज़र करनी चाहिए क्योंकि आज हमारी ज़िंदगी में मुश्किल है परेशानियाँ हैं और फिर लोग क्या कहते हैं कि ये तो दुआ करते हैं फिर भी इनकी ज़िंदियों में मुश्किल क्यों है अबलीस चाहता है कि इनकी ज़िंदगी में मुश्किल आएँ ये ठोकर का बायस बने और इसीलिए खुदा के पाकला में पहले से खुदा ने कहा कि पहले अपनी अंदर से शतीर को निकाल और फिर भाई की आंख से अच्छी तरह तिनके को निकाल दी आज हमें शतीर को देखने की ज़रूरत है और फिर भाई की आंख से हम अच्छी तरह तिनके को निकाल सकते हैं हाल मैं ईमान रखती हूँ कि खुदा का कलाम जो खुदा के खादमीन जगह जगह पर लेकर जा रहे हैं अगर ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ खुदा के कलाम को खुदा की ज़िंदा आवाज़ को लेकर चलेंगे तो बहुत सी रूहें बचेंगी आज रूहें बच तो रही हैं आपने मूसा और फारोन की कहानी तो देखी है सभी लोगों ने जानते भी हैं और देखें अबलीस भी उतने मुज़े करता है और खुदा का कलाम भी उतने ही मुजजे करता है लेकिन खुदा का कलाम पावरफुल है अबलीस नेस्त और नबूत हो जाएगा लेकिन खुदा का कलाम अब तक जिंदा रहेगा क्योंकि वो अपने कलाम में फरमाता है कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ अगर आज आप देखने वाले कसरत की ज़िंदगी पाना चाहते हैं तो मेरे अजीज़ों सिर्फ कलाम मुकदस को पढ़े नहीं बल्कि इसको जाने इसको समझें खुदा से पूछें घुटनों के बल हो जाए खुदा से बात करें खुदा का पाक रू जो हमारा अच्छा मददगार है वो हमारी मदद करेगा और खुदा का पाक रू हर वक्त हमारे साथ है क्योंकि खुदांद ने खुद कहा है कि ये पाक रू मैं तुम्हें दिए जाता हूँ यह आपसे तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर रहेगा आज ये पाखरू है जो हमें दलेरी देता है आज ये पाखरू है जो हमारी मदद करता है तो खुदा का कलाम कहता है कि पाखरू भी हमारी शिफायत करता है वहाँ भर भर कर खुदा के आगे हमारी अपील करता है जब हम खुदा के साथ वफ़ादार होते हैं तो फिर खुदा की जिंदा बख्श बातें जो हमारी ज़िंदगी में घर करती हैं तो फिर हम खुदा के नाम को अच्छी तरह जलाल दे सकते हैं तो खुदा मैं ईमान रखती हूँ कि जितने देखने वाले हैं इस कलाम को सुन रहे हैं इस कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे और ख़ुदा का शुक्र हो मैंने भी बरकत पाई और देखने वालों ने भी बरकत पाई है इसी तरह मैं शुक्र गुज़ारी फिर से करती हूँ जिंदा खुदा के कलाम के लिए जो इस वक्त मैंने सुनाया और मैं ईमान रखती हूँ कि सुनने वालों की ज़िंदगी में ये काम करेगा खुदा आपको और मुझे बरकत दे आमिर फेज़ ललोह खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे वनजलिस प्रवीण जवेद और ज़्यादा खुदांद के जलाल में आप बढ़ें ख़ुदांद के नाम को जलाल दें तजी तो बड़ा खूबसूरत मैसेज खुदा की खातमा ने शेयर किया कि अभी जो हमने अभी पढ़ा मत्ती की अंजील में से उसके साथ में बाप की पहली वर्सीज़ को खुदा की बंदी ने आपके सामने रखा कि खुदावन का कलाम हमें यहाँ पर क्या फरमाता है अभी मैं जब इस बात पर गौर कर रहा था ख़ुदा के कलाम पर आइए हाँ मैं चाहता हूँ कि हम इस वर्ष को देखें मत्ती की अंजील जो अभी खुदा की खादमा ने भी हमारे साथ शेयर किया मैसेज आइए हाँ मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा इस आयत को हम देखेंगे और बड़ी खूबसूरत बातें खुदा की खादमा ने हमारे साथ शेयर की हैं यहाँ पर लिखा है ऐप जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐप जोई ना की जाए क्योंकि जिस तरह तुम जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी जोई की जाएगी और जिस पैमाना से तुम नाम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा अगर लिखा है तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आँख के शतीर पर गौर नहीं करता अजीज़ों आज हमें खुदा का कलाम ये सिखाता है जैसे खुदा की खादमा बता रही थी कि आज हमें ज़रूरत है ईमानदारों के लिए भी ये कलाम है ना सिर्फ गैर ईमानदारों के लिए बल्कि ईमानदारों के लिए भी हमें ईमानदार होते हुए भी एक दूसरे के लिए कभी भी बुराई अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए कभी भी एक दूसरे की ऐपजोई नहीं करनी चाहिए जैसे कलाम कि कलाम में लिखा है कि तू दूसरों की आंख के तिनके को तो देखता लेकिन अपनी आंख के शतर पर गौर नहीं करता इसका मतलब ये है कि हमें दूसरों की गलतियाँ और गुनाह और खताएं तो नज़र आती हैं लेकिन हमें अपनी गलतियाँ अपनी खताएं अपने गुनाह नज़र नहीं आते कई दफ़ा हम दूसरों को ही समझते हैं कि फ़लाँ शख़्स जो है वो बड़ा गुनहगार है उसकी ज़िंदगी के अंदर ये गलती है उसने ये गलत काम किया लेकिन हम कई दफ़ा अपनी ज़िंदगी पर गौर नहीं करते इसीलिए कलाम में ये लिखा है कि हमें दूसरों की जो आँख के अंदर तिनका वो तो नज़र आता है लेकिन अपनी आँख का शैतीर नज़र नहीं नज़र आता लेकिन यही वजह है कि जब हम खुदा के कलाम के, के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे खुदा के खुदा के खौफ़ के अंदर रहेंगे तो फिर कभी भी हम दूसरों की आबजोई नहीं करेंगे फिर कभी भी हम दूसरों को कसूरवार नहीं ठहराएंगे कई दफ़ा हम दूसरों को कसूरवार समझते हैं और ख़ुद हम समझते हैं कि हम बड़े परफेक्ट हैं लेकिन परफेक्ट कोई भी नहीं है सिर्फ खुदावंद मसीह है वही परफेक्ट है और जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो वो हमें भी परफेक्ट बनाने की कुदरत रखता है तो आइए आपके लिए दुआ करेंगे आपके लिए बरकत चाहेंगे खुदा बुजुर्ग आसमानी बाप आज के तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने अपनी खादमा के वसीला से ख़ुदा शेयर किया तेरी बंदी ने जो भी और तूने ख़ुदा देख अपने खादमा के दिल में इस बात को डाला आज के कलाम को और ज़्यादा अपनी बंदी को बरकत दे खुदा पा खुदा इनके फैमिली को बच्चों को घराने को बरकत दे खुदा पाख खुदा इसी तरह भाई हारून के लिए बरकत चाहते हैं और इसी तरह शहर के लिए जदाउन के लिए बरकत चाहते हैं आज ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में तेरे प्यारों ने तेरे नाम को जलाल दिया तेरे नाम को ख़ुदा सर बुलंद किया आज के सारे प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र करते हैं और जितने भी इस वक्त तेरे प्यारे देख रहे हैं एक एक पर तेरी बरकत चाहते हैं एक एक ख़ानदान पर तेरी बरकत चाहते हैं तेरा पाख रु एक एक को छुए अगर कोई बीमार है तो यस्ु के नाम में उसकी सारी बीमारी और कमजोरी यस्सू के नाम से जाती रहे अगर कोई परेशान है बेरोजगार है घर नहीं है जॉब नहीं है कारोबार नहीं है तरह पाखरू आसमान को खोले और घर प्रोवाइड करे जॉब प्रोवाइड करे सारी परेशानी को दूर करे इसी कादिम के लिए इमरान फजल साहब के लिए तेरी खादमा सिस्टर मैविश के लिए और सारी ख़ुदा पा खुदा फैमिली के लिए इसी तरह फजल टी वी की सारी टीम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और ज़्यादा अपने खादमों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और इसी तरह हम दुआ करते हैं मल्क पाकिस्तान के तमाम चर्चे के लिए तमाम डोमिनेशन के लिए तमाम मिनिस्ट्रीज़ के लिए तेरी बरकत चाहते हैं इसी तरह मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं गवर्नमेंट पर तरह हाथ चाहते हैं ताकि हमारा मुल्क यस्ू के नाम से सर फ़राज़ और बहाल और तरक्की करें तेरा आसमान हमेशा तेरे प्यारों के लिए खुला रहे आज के सारे प्रोग्राम का जलाल और इज्जत हम तेरे नाम को देते हैं तेरा पाक रूम में सहारे को छुए और बड़ी बरकत दे मसीह के नाम में प्रेज द लॉर्ड नाज़रीन यकीनन आज के ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई है खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे इसी तरह हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने गेस्ट का बहुत शुक्रिया एवेंजलिस्ट प्रवीण जावेद खुद आपको बहुत बरकत दे ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में आने के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं और इसी तरह भाई हरून आपका भी बहुत शुक्रिया खुदांद आपको भी बरकत दे इसी तरह जदाउन और सहर आपका भी बहुत शुक्रिया खुदा आंद आपको भी बहुत बरकत दें तो इसी तरह नाज्रीन हम मिलेंगे आपसे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ गॉड ब्लेस यू ऑल खुदा आंद आप सबको बरकत दें आइए मिलकर पाकिस्तान के लिए नारा लगाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद